हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज का स्टेटस ये है, अरे टाइम दिखा दो, 7:59 हो रहे हैं, 8 बजे का टाइम था, तो लगेज के लिए बुलाया है और एक छोटा सा यार पंगा हो गया है। अब वो क्या बोल सकते हैं, कल एक्चुअली फ़ोन चार्जिंग में लग रहा था तो पता नहीं लाइट या तो ट्रिप हुई तो एकदम आवाज़ आई और चार्जर काम नहीं कर रहा, तो देखते हैं व्यवस्था बनाते हैं दूसरे चार्जरों की, क्योंकि शिवांगी भी नहीं लाई है, मेरा दूसरे फ़ोन का है उससे काम चला रहे हैं, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। तो अभी ये है, बनारस के निकलेंगे यहाँ से, 3-3.5 घंटे करीब करीब गूगल दिखा रहा है, बाकी बीच में रुके रहे तो कैसा बनेगा सीन। कभी कभी मुझे फील होता है मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, ट्राई कर रहे हैं हम इसको स्लो डाउन करने के लिए। सो केटली मिल गई थी यार हमें, और पूरे बैग जो हैं वो सारे कुछ पैक हैं। सो अभी निकलते हैं, और गाड़ी वाड़ी सब पहले चमका दी थी, कल नहीं चमकाई थी, आज चमका ली क्योंकि डेली गाली खाएं। बाहर का देखो कुछ ऐसा सीन है, तो ये बाहर का व्यू है, और पता नहीं मुझे नहीं पता, ये देखो आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं घर है पर बच्चों की चप्पलें यहाँ पे बहुत है, तो पता नहीं क्या है, मतलब कैसे चप्पल है, या तो बंदर छोड़ गए या पता नहीं, या तो पता नहीं जो भी है। एनीवे भाई, वी आर रेडी, अब निकल रहे हैं, और समय जो है, अरे सॉरी, तो समय जो है बहुत हो गया, जो टाइम था उससे 5 मिनट ऊपर है, पर होप सो पहुंच जाएंगे। तो सो भाई, आज का जो हमारा रूट होने वाला है वो अयोध्या टू वाराणसी होने वाला है, और ये जो रास्ता है उसका किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो नेशनल हाईवे है वो सिंगल रोड है, और बीच में कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी जगह सुल्तानपुर, जौनपुर और बदलापुर जैसी जगह मिलेगी, उसके बाद हम सीधा पहुँचेंगे वाराणसी। चलो भाई, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बोलो सियावति रामचंद्र की जय। जय नाचा मत कर, डम डम बड़म बड़म, डम बड़म बड़म बड़म, डम बड़म बड़म, डम आगे तो खुले होते सब, डम बड़म बड़म बड़म, डम बड़म बड़म। भाई गाड़ी खड़ी है अपनी पेट्रोल पंप पे, इसको नहीं पिलाना कुछ, पर हम थोड़ा वॉशरूम के लिए निकले। ए, 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 तो भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बताओ क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। सो भाई अपडेट यही है कि रास्ते में निकले हैं, और बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि गूगल ने पता नहीं कैसे कैसे हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ा दिया था, ऑल दो हमने देखा था रास्ता लेकिन पता नहीं क्यों चढ़ाया। अब हमने एग्जिट तो तुरंत कर लिया, अब वो टोल कटेगा नहीं कटेगा वो समय आने पे पता लग ही जाएगा। और सिचुएशन ये है कि जो हमें 2 हाईवे नेशनल हाईवे पड़े, 330 और ये 731 है, तो ये जो 330 वाला है वो सिंगल रोड है, तो थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है। अब ये वाला तो 4 लेना, आगे कितनी देर चलेगा वो पता नहीं, तो अभी सारनाथ जाने का सीन है यहाँ से सीधा, और उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। बेटू दद्दा 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 दद्दा, फिर अभी रुकेंगे, रुके हैं एक ब्रेकफास्ट के लिए, और ज़्यादा मतलब ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन बहुत हाई फाई ऑप्शन नहीं है। और यार ढाबा सबसे बेस्ट होता है चाय वाय पीने के लिए, पकौड़े के लिए। अरे क्या कर रहा, ये पेटेगा बहुत, खाएगा 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 खाएगा, पकौड़े खाएगा, पकौड़े खाएगा, पकौड़े खाएगा। अच्छा अच्छा, सुन सुन, डांस कर दिखाओ, डांस कर दिखाओ, डांस कर दिखाओ। मक्कल मक्कल, बुरा बात ही, तो यार तखत तखत मिल गया है, नीचे नहीं जाएगा तो तखत मिल गया। ये तखत पहले हम बहुत पहले सोया करते थे, अब गिरेगा गिरेगा। अच्छा
मैंने तक नहीं देखा। मुझे घाल देख लो, हमने ट्रे हटा दी थी, पार्सल ट्रे जो होती है, और सामान एक दो तीन चार चार पाँच, दो बैग मम्मी के, दो बैग हमारे, एक बैग के और दो लैपटॉप बैग। इसके लिए हम लाए हैं, ये देखो, ये आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, ये है लड्डू। और बहुत ठंडे हो रहे यार, एसी मुझे लगता है बढ़िया काम कर रहा है। और इसमें इसके इन्होंने एक चीज़ वो बोली है, कहाँ है कहाँ कहाँ है वो आपको दिखाऊंगा, और मिल जाएगा तो दिखाता हूँ, मिल ही नहीं। तो भाई हम आ गए हैं सारनाथ, फोकस हो रहा है, हाँ फोकस हो रहा है। तो सारनाथ बेसिकली वो वाला प्लेस है जहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये दिल्ली में जो अक्षरधाम वगैरह है वहाँ पे वही दिखाया गौतम बुद्ध का ही। तो बाकी अभी वो आगे है, ये बीच में इनका ये जो नया बना है G20 में जब हुआ था, G20 जब UP में हुआ था तब ये चीज़ कंस्ट्रक्शन सारा हुआ था। उधर पत्थर पे भी उनकी स्टोरी दिखाई गई उधर, अभी जब मैं आगे जाऊँगा आपको दिखाएगा। तो ये दिगंबर जैन, ये देखिए जैन टेंपल भी है यहाँ पे। तो वाराणसी यार एक्चुअली डेवलप है, तो जाहिर सी बात है शहर अच्छा है, मतलब अयोध्या क्योंकि छोटा शहर है और मुझे लगता है उसको डेवलप होने में एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे, एटलीस्ट फुल फ्लेज में, क्योंकि यहाँ पे तो रोड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। आपने बीच में कुछ शॉट्स देखे होंगे, ये देखिए ये जो पत्थर है ना, इसमें इन्होंने आर्ट वर्क किया है, बढ़िया यार। और सूरज देवता भी थोड़े मेहरबान थे हमारा बेटूलाल दादू पे, तो इसकी वजह से लग सकता है थोड़ा सा धूप कंट्रोल में रहती है। बाकी गर्मियों के टाइम पे तो भाई छाता लेके चलो, सबसे बेटर है। माता जी दिख रही हैं, फ्री में दिख रही हैं, चलना बहुत पड़ता है यार। तो ये है कि आदमी थक जाता है। यहाँ पर एक U61 करके रेस्टोरेंट है, 61 मतलब बनारस का ही जो RTO नंबर है वो है। ओगो ओगो ओगो, आगे देख लिया उसने। तो यार यहाँ तक है ना, यहाँ तक क्या छाता सी सी, लो छाता ले लो, लो छाता ले लो, छाता ले लो। आह हा, तो भाई रिसेंट अपडेट ये है, देखो मतलब पता जब जाओगे तब तो आपको पता लगेगा। सारनाथ में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी, ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने बोधगया में की थी, और यहाँ पर उन्होंने 5 शिष्यों को अपने अपनी मतलब आगे उन्होंने ज्ञान दिया था, उसके बाद 27 और थे, मैं दिखाता हूँ। तो जो श्रीलंका के महाराजा थे 1931 के थे, उन्होंने ये मतलब एक रेफरेंस बनाया कि कितने कैसे वो बुद्ध भगवान कैसे गौतम बुद्ध जी के ने कैसे दिया था। तो 1 2 3 4 5 इनके मेन शिष्य हो गए, उसके बाद आगे चलो। रुकी हुई थी खाता कहाँ गया जो तुम्हारे पास ही है, रुक क्यों नहीं। तो भाई ये मंदिर जो भाई बता रहे हैं 70,000 रुपये में बन गया था। ये उससे पैसे नहीं आएंगे, ला इधर। तो भाई अपडेट ये है कि होटल में आ गए थे सारनाथ से, हम निकले 4 बजे के आसपास, तो आधा पौना घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक है। और ये जो होटल है ये होटल ट्रिबो का राज पैलेस करके, मुझे लगता है शायद उल्टा हो गया,
पटेगा कोई नहीं। तो इस होटल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यार ये ना बहुत ज़्यादा इसकी तंग गलियाँ हैं, अभी बाहर जाऊँगा तो दिखाऊँगा, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रिव्यूज़ तो मैं डाल ही दूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि होटल नो डाउट होटल अपने में होटल काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड वगैरह है, लेकिन ये जो गली मोहल्ला जो रहता ना, जिसमें सिर्फ इतनी गली है कि एक गाड़ी में से एक टाइम पे घुस सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं घुस सकती, तो ठीक है देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, एक हनुमान जी का मंदिर है और काशी विश्वनाथ में आज मंडे है तो भीड़ होगी तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और आरती का टाइम होता 6:30 बजे तो पता नहीं, देखते हैं या तो कल करेंगे और देखते हैं क्या है, मगर आपको पता लग ही जाएगा आगे आगे आपको ब्लॉग्स में। और हम जाएंगे ऑटो से ही क्योंकि वैसे वाराणसी में होटल्स की कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर डायरेक्ट में आएंगे तो खूबसूरत आपको मिल जाएंगे। अयोध्या में मुझे थोड़ी सी फील हुआ था कि शायद दिक्कत होगी, पर अयोध्या में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर यहाँ थोड़ा सा मुझे रास्ते का थोड़ा सा गड़बड़ लगी क्योंकि लिटरली मतलब अगर दिखाता हूँ, ये देखिए ये होटल की पार्किंग है, अगर एक से गाड़ी ज़्यादा आ गई तो यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी, और ये सामने ये जो है ना ये देखो घर लगे, ये सिर्फ एक टाइम पर दो बाइक निकल सकती हैं, तो है एकदम वो दिल्ली के जैसे जो एरिया होता ना पुरानी दिल्ली टाइप का, पुरानी दिल्ली में थोड़ा सा ये है कि थोड़ी जगह कम है, इसमें एक गाड़ी के लिए जगह है तो दिक्कत है, लेकिन ठीक है आप दो दिन काटने हैं तो काट लेंगे। बाकी अभी देखते हैं यार, अब बात कर रहे हैं कि कहाँ कौन सा जा सकते हैं कौन सा नहीं जा सकते, और ये हमारे देखो दादी पोता दादी इतनी ऑब्सेस हो गई है इसे कि बस। तो यार ये है मानस मंदिर, और एक जो दुर्गा टेम्पल है वो भी है, वो उस साइड है मेन रोड से, तो ये तुलसी मानस सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर ही है, पहले स्वामी दर्शन कर लो बस है ना भाई, ये है मेन तो मंदिर, और यहाँ से रिक्शे विक्शे वाले अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, हम सौदेबाजी करा लो। यार ये देखो ये है ऊपर ऐसे कई सारी झांके हैं, 10 रुपये टिकट लगती है, ये देखो वहाँ पे भी है, और ये देखिए वहाँ पे भी है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए वहाँ पे है, यहाँ पे बस लगे घर, इस तरीके से कई सारी झांकियाँ लगा रखी हैं। देखो अगली परीक्षा सीता जी की अगली परीक्षा हो रही है, और पसीने में तो बुरा हाल है, अब ये देखिए ये देखो कैसे मज़े ले रहा है, तो भाई अपडेट ये है अंदर कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, और दर्शन है वो अच्छे से हो गए, मुझे लगता है हम सोमवार को आए इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम मिली, कल मंगल को हो सकता है भाई हनुमान जी का दिन है तो भीड़ भर सकती है, तो इसलिए हमने ऑफ किया कि यार भाई देखो ऐसा है कि वहाँ से हमने लिया रिक्शा, और ये देखो भाई मतलब एक हाथ में ये सो रहा है मेरे, ये देखो हाथ दिख रहा है मेरा, एक हाथ में सो रहा है भाई, रिक्शे बैठ के आपके लिए जाएंगे क्या, भीड़ भाई यहाँ अच्छी खासी है, और आज सोमवार है तो हमने सोचा था एक बार ट्राई कर लेते हैं, भोले बाबा ने चाहा तो दर्शन करवा देंगे सोमवार के दिन, तो बताते हैं 2 मिनट के थोड़ा आओ चल रहा है। हाँ तो भाई देखिए हमने हनुमान जी के जब दर्शन किए थे उसके बाद हमने डिनर कर लिया, 8 बज रहे थे वहाँ से, उसने हमें छोड़ दिया करीब करीब 9:15 के आसपास, 9:30 के आसपास हम लाइन में लगे थे, ये जो आप पीछे रास्ता देख रहे हैं इसमें पूरे में लाइन थी, मैं एक काम ये पूरी लाइन है इधर से लेके इधर तक, मतलब यहाँ से लगती है, और जिनसे मेरी बात हुई थी मेरी शॉप पर मेरी बात हो रही थी बोले आगे चौराया है जहाँ से आपको मैं रिक्शा दिखाया था वहाँ से पूरी लंबी लाइन लगती है लिटरली मतलब, और धूप में तो वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर भोले बाबा की कृपा रही तो सब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसी बात पे, हर हर महादेव। और ये गेट नंबर 3 है बेसिकली, एक गेट नंबर 4 मतलब 4 बोलते हैं उसको, गेट नंबर 4, तो आप अपना गेट नंबर 3 से एंट्री करो, थोड़ी सी यहाँ भीड़ कम मिलती है जो उन्होंने बोला, जो लोग कई लोगों से हमने पूछा, तो क्या कर गया था सो भाई फाइनली होटल में आ गए हैं, टाइम हो रहा है 22 नहीं
23:40 बोले तो 11:40 हो रहा है। और लिटरली भाई ये देख रहे हो, ये देखो हाल देख रहे हो बेचारे का। तो भाई वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये बेटर है भाई कि रात की गर्मी में सारा कुछ काम हो गया, सुबह की टेंशन नहीं रही। अब थोड़ा सा एक चीज़ कम देखनी पड़ेगी, सारना तो मैं दिन में कर लिया तो मेंटल प्रेशर ख़त्म। सो भोले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमें टाइम पर दर्शन करवा दिए। तो एक बार बोलो बोला हर हर महादेव। यार बहुत मेहनत करके वीडियो बनाएंगे, समय अगर मैं टाइम बताऊं, अगर आपको मंदिर जाना है, अगर दिन में बहुत ज़्यादा रश रहता है, और वो रहता है क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि शॉप वाला जो मेरे से बोल रहा था कि अगर आप जाओगे तो यार बहुत लंबी लाइन लगेगी, तो 10:30 बजे रात को आरती होती है, तो बेटर आप 9:30 बजे के आप आसपास लाइन लगो। हमारा आधे घंटे में नंबर आ गया था अंदर, हम लोग घूमते रह गए, फिर हम आपका वो भी देख के आए जो रिवर फ्रंट टाइप बना रखा है, उन्होंने पूरा एक कॉरिडोर बना रखा है गंगा से लेकर पूरा मंदिर तक, वहाँ से दिखता है। मैं फ़ोटो ट्राई करूँगा अपलोड करने का, क्योंकि हमारे कैमरा अलाउड नहीं था। जैसे मैं कह रहा था कॉरिडोर जो बनाया है, तो वहाँ पे एक मिल गए थे हमें हेल्प करने के लिए, उनके पास कैमरा था तो उन्होंने फ़ोटो खींच दी। थोड़ा सा ये था मैं ब्लॉग बना सकता था, पर ठीक है एटलीस्ट आपको फ़ोटो में पता लग जाएगा तो याद रहेगी। तो फोटो में उनसे मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप मंगा ली, ये देखो हमारा बेटा, देखें ये भी बहुत दुखी हो गया, लेकिन बहुत साथ दिया, रास्ते में सो गया था, मैंने सुबह ही नहीं रखा था। सो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक अपना अपना ख्याल रखें, टाटा सी यू, बाय बाय।